क्या मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर पैंतीस हजार करोड़ सालाना की अतिरिक्त वसूली का बोझ डालने से पहले कोई अध्ययन या जांच की क्या मोदी सरकार ने नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम की खरीद से होने वाले असर या कैपेक्स की जरूरत का कोई अध्ययन किया कोई ऐसी स्टडी उनके पास है क्या मोदी सरकार ने एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर दी गई पिछली रियायतें या फिर 20 नवंबर 2019 को मोदी जी ने छूट दे दी थी बयालीस हजार करोड़ की स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की उनका क्या असर होगा इसका कोई अध्ययन किया क्वेश्चन नंबर फोर हाउ कैन ऑल प्राइवेट सेलफोन कंपनीज increase their tariffs between 15% to 20% despite the fact that their profitability varies their capex requirement vary and their investment capacities and actual investments vary and their purchase of स्पेक्ट्रम इन ऑप्शन वेरीज सो हाउ कैन दे ऑल रेज सेलफोन चार्जेस बाय द सेम परसेंटेज इट्स वेरी यूनिक वाइज मोदी गवर्नमेंट देन टर्निंग ए ब्लाइंड आई टू इट ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी सेल फोन कंपनियां अपने सेलफोन के चार्जेस पंद्रह परसेंट से बीस परसेंट लगभग बराबर बराबर बढ़ा दें जबकि उनकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी उनके कस्टमर्स उनका केपेक्स रिक्वायरमेंट उनकी कैपेसिटीज उनकी एक्सपेंशन प्लान सब भिन्न है तो क्या मोदी सरकार ने आंख बंद कर ली है एंड फिफ्थ एंड लास्ट सिंस प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑन टेलीकॉम वेरी ऑफन सो आई वॉन्ट टू रिमाइंड दम इजेंट इट करेक्ट दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया in delhi science forum versus union of india said and i quote the supreme court the central government and the telecom regulatory authority have not to behave like sleeping trustees but have to function as active trustees for public good this is something that prime minister and his colleagues used to quote very often kya ye sach nahi ki bharat ki supreme court nahin? दिल्ली साइंस फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में साफ कहा कि केंद्र सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को निष्क्रिय ट्रस्टी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए बल्कि जनता के जन कल्याण के लिए सक्रिय ट्रस्टी के रूप में काम करना होगा तो क्या मोदी सरकार देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री देश की एक करोड़ जनता और 109 करोड़ उनमें सेलफोन सेल यूजर्स जो हैं उनको जवाब देगी कि हमसे पैंतीस हजार करोड़ क्यों वसूले जा रहे हैं क्या मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर पैंतीस हजार करोड़ सालाना की अतिरिक्त वसूली का बोझ डालने से पहले कोई अध्ययन या जांच की क्या मोदी सरकार ने नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम की खरीद से होने वाले असर या कैपेक्स की जरूरत का कोई अध्ययन किया कोई ऐसी स्टडी उनके पास है क्या मोदी सरकार ने एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर दी गई पिछली रियायतें या फिर 20 नवंबर 2019 को मोदी जी ने छूट दे दी थी बयालीस करोड़ की स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की उनका क्या असर होगा इसका कोई अध्ययन किया क्वेश्चन नंबर फोर हाउ कैन ऑल प्राइवेट सेलफोन कंपनीज इंक्रीज देयर टैरिफ्स बिटवीन फिफ्टीन परसेंट टू ट्वेंटी परसेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर प्रॉफिटेबिलिटी वेरीज Their capex requirement vary, and their investment capacities and actual investments vary, and their purchase of spectrum in auction varies. So how can they all raise cell phone charges by the same percentage? It's very unique. Why is Modi government then turning a blind eye to it? ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी सेलफोन कंपनियां अपने सेलफोन के चार्जेस 15 परसेंट से 20 परसेंट लगभग बराबर बराबर बढ़ा दें जबकि उनकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी उनके कस्टमर्स उनका केपेक्स रिक्वायरमेंट उनकी कैपेसिटीज उनकी एक्सपेंशन प्लान सब भिन्न है तो क्या मोदी सरकार ने आंख बंद कर ली है एंड फिफ्थ एंड लास्ट सिंस Prime Minister and his ministers quote Supreme Court on telecom very often, so I want to remind them. Isn't it correct that the Supreme Court of India in Delhi Science Forum versus Union of India said, and I quote the Supreme Court, the central government and the telecom regulatory authority have not to behave like sleeping trustees, but have to function एज एक्टिव ट्रस्टीज फॉर पब्लिक गुड दिस इज समिंग दैट प्राइम मिनिस्टर एंड इज कुलग्स टू कोर्ट वेरी ऑफन क्या यह सच नहीं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली साइंस फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में साफ कहा कि केंद्र सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को निष्क्रिय ट्रस्टी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए बल्कि जनता के जन कल्याण के लिए सक्रिय ट्रस्टी के रूप में काम करना होगा तो क्या मोदी सरकार देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री देश की एक करोड़ जनता और 109 करोड़ उनमें से सेलफोन यूजर्स जो हैं, उनको जवाब देगी कि हमसे पैंतीस हजार करोड़ क्यों वसूले जा रहे हैं